नमस्कार मित्रों, सो लास्ट लेक्चर में अगेन अभी तक दो लेक्चर हमने कंप्लीट किए हैं रिगार्डिंग द डेटाबेस, लेक्चर नंबर 37 एंड 38। जैसा कि मैंने आपको पहले बोल दिया था कि अगर 37 नंबर का लेक्चर आप नहीं समझते तो फिर 38 में आपको कुछ पता ज्यादा नहीं चलेगा, वैसे ही अगर ये लेक्चर जो आपका 38 वाला लेक्चर था वो भी आपको एनी हाउ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, अगर आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर देंगे तभी आपको ये जो आज मैं लेक्चर लेने जा रहा हूँ दैट इज अ लेक्चर नंबर 39 उसमें आपको कुछ आगे का समझ में आएगा। क्योंकि क्योंकि ये जो लेक्चर नंबर 39 है वो मैं एग्जैक्टली वहां से स्टार्ट कर रहा हूं जहां से मैंने लेक्चर नंबर 38 को स्टॉप किया था। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में मैंने क्या किया, थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। तो यहां पे मैंने दो वेरिएबल लिए थे क्योंकि मुझे डीएओ की अनबाउंड कनेक्टिविटी यानी कि कोड का यूज करके मुझे कनेक्टिविटी परफॉर्म करने थी, तो मैंने दो वेरिएबल लिए थे, एक था डीबीएस डेटाबेस, दूसरा था आरएसएस रिकॉर्ड सेट। अगर आप ये वेरिएबल प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर रहे और अगर आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं फिर भी एरर आती है क्योंकि आपको रेफरेंस ऐड करवाना है। कौन सा रेफरेंस? तो माइक्रोसॉफ्ट डीओ 3.51 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। अगर ये ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी आपने रेफरेंस के तौर पे ऐड नहीं करवाई है तो फिर ये दो वेरिएबल आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? फिर मैंने क्या किया था, तो कि फॉर्म के लोड इवेंट पे मैंने कनेक्टिविटी परफॉर्म की थी यानी कि डेटाबेस से मैं कनेक्ट हुआ था और वहीं पर मैंने रिकॉर्ड सेट को सेट किया था, राइट। और फिर मैंने एक सेट डेटा नाम का फंक्शन बनाया था जो कि आपको अच्छी तरह से मालूम है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर जैसे ही मैं रिकॉर्ड सेट को सेट करता हूं, राइट, तो आपका अपना जो रिकॉर्ड सेट होता है वो बाय डिफॉल्ट जो अपना रिकॉर्ड पॉइंटर जो होता है वो रिकॉर्ड पॉइंटर जो अपनी फर्स्ट रो जो होती है, राइट, उसको पॉइंट करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अपने डेटाबेस में आपको पता है जैसे कि टोटल नंबर ऑफ चार रिकॉर्ड है, कितने रिकॉर्ड है? चार रिकॉर्ड। तो जैसे ही मैं यहां पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट वाली क्वेरी पास करूंगा तो रिकॉर्ड सेट में, राइट, जो अपना रिकॉर्ड सेट होगा वो रिकॉर्ड सेट, राइट, एक स्पेस क्रिएट करेगा, राइट, जो बिल्कुल ऐसी होगी और उस रिकॉर्ड सेट में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड आ जाएंगे सीक्वेंस में और अपना रिकॉर्ड पॉइंटर जो होगा वो फर्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये तो मैं बार बार आपको समझा चुका हूं, ठीक है, ओके। फिर मैंने किया क्या किया था, मैंने आपको एक मेथड डिस्कस की थी, उस मेथड का नाम था मूव मेथड, यानी कि मूव के रिलेटेड चार मेथड थी, मूव नेक्स्ट, मूव प्रीवियस, मूव फर्स्ट और मूव लास्ट। एक्चुअली ये चारों फंक्शन है उसको मैं जनरली मेथड बोलता हूं। वो चारों फंक्शन का काम क्या है, तो रिकॉर्ड पॉइंटर को मूवमेंट करवाते हैं। यानी कि यहां पे आपको पता है कि मैंने चार बटन लिए थे, राइट, फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट एंड लास्ट, राइट ना, फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट एंड लास्ट, चार बटन मैंने लिए थे। तो एक्चुअली मैंने यहां पे नेक्स्ट पे कुछ काम किया था, आपको पता है आरएस डॉट मूव नेक्स्ट लिखा था मैंने, यस और नो? इससे क्या होता था, राइट, तो सबसे पहले मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सो मैं सबसे पहले मेरे प्रोग्राम को रन करता हूं, आप यहां पे देख पा रहे हैं कि लोड इवेंट जो है हमारी वो एग्जीक्यूट हो रही है और ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होती है हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो जाता है। यानी कि अब ये जो डेटाबेस हमारा है माई डेटाबेस डॉट एमडीबी उसमें से किसी भी टेबल में से डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, कर सकते हैं। यानी कि अब हमारे डेटाबेस में एक ही टेबल है तो हमने यहां पे क्वेरी फायर की है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट, तो हमारा रिकॉर्ड सेट है उसमें सारे जो जितनी भी रो होगी वो सारी रो आ जाएंगी। कैसे आएंगी? तो यहां पे मैंने एक यहां पे आपको टेम्पलेट बोलते हैं ना कि भाई के तौर पे आपको दिखाने की मैंने कोशिश की है कि भाई
जैसे ही ये क्वेरी फायर होगी हमारा रिकॉर्ड सेट जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। रिकॉर्ड सेट में टोटल नंबर ऑफ चार रो आएगी। कितनी रो आएगी? चार रो, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवीएल स्टूडेंट, और हमारा जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो पहले रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा बाय डिफॉल्ट। राइट, समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, अब जब मैं यहां से आगे जाता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पे सेट डेटा यानी कि फंक्शन कॉल हो रहा है और यहां पे आरएस डॉट फील्ड जीरो से वैल्यू आ रही है। नाउ व्हाट इज आरएस डॉट फील्ड जीरो? आरएस डॉट फील्ड जीरो मींस हमारा रिकॉर्ड सेट का फील्ड जीरो ये है, ये जो कॉलम है वो फील्ड जीरो बोलते हैं हम। राइट, एक साथ क्यों सिलेक्ट हो रही है पता नहीं, डोंट नो। ये हमारा जो कॉलम है उसको हम, ये फील्ड जो हमारा है उसको हम फील्ड वन बोलते हैं, इसको फील्ड टू बोलेंगे और इसको फील्ड थ्री बोलते हैं। लेकिन जब हम यहां पे, आपको पता है कि आरएस डॉट फील्ड जीरो में से वैल्यू आ रही है, तो आरएस फील्ड जीरो में तो टोटल चार वैल्यू है, 1 2 3 4, लेकिन रिकॉर्ड पॉइंटर जिस रो को पॉइंट करता है उसी में से वैल्यू आएगी। मतलब अगर रिकॉर्ड पॉइंटर अभी इसको पॉइंट कर रहा है तो आरएस फील्ड जीरो की वैल्यू होगी 1 हमारे लिए। राइट, वैसे ही आरएस डॉट फील्ड 1 की वैल्यू हमारे लिए नीलेश होगी, आरएस डॉट फील्ड की वैल्यू हमारे लिए दिशा होगी और आरएस डॉट फील्ड 3 की वैल्यू हमारे लिए मोबाइल नंबर होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, सी नीलेश डिशा एंड अ मोबाइल नंबर, कॉन्सेप्ट क्लियर? अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो देखो क्या होता है। यहां पे नेक्स्ट पे जब क्लिक करता हूं ये लाइन एग्जीक्यूट होती है। इस लाइन में लिखा है आरएस डॉट मूव नेक्स्ट। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ये रिकॉर्ड पॉइंटर यहां से हट जाएगा, ये रिकॉर्ड पॉइंटर यहां से हट जाएगा और रिकॉर्ड पॉइंटर यहां पे आ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप, रिकॉर्ड अब किस लाइन को पॉइंट कर रहा है? इसी लाइन को पॉइंट कर रहा है। मतलब कि अब फील्ड जीरो की वैल्यू क्या हो गई? 2। फील्ड वन की वैल्यू क्या हो गई? फील्ड टू की क्या हो गई? और फील्ड थ्री की वैल्यू क्या हो गई? समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब जैसे ही मैं सीट सेट डेटा पे जाता हूं, राइट, तो आरएस डॉट जीरो से वैल्यू हमें 2 मिल रही है, यहां से 1, यहां से 2 और यहां से, समझ में आ गई बात? तो हमारा जो सेकंड रिकॉर्ड है वो आपके सामने होगा। फिर से मैं क्लिक नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो अगेन आरएस डॉट मूव नेक्स्ट हो जाएगा। राइट, मतलब कि हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर यहां पे आ जाएगा और यहां से हट जाएगा। अब हमें थर्ड रो की जो वैल्यू है वो वैल्यू मिलने वाली है, जस्ट उसको मैं आपको दिखा देता हूं। फिर से मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं, अब देखिए, अब फिर से मैं आरएस डॉट मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं, दैट मींस कि ये पॉइंटर यहां से हटके ये पॉइंटर यहां पे आ जाएगा। राइट, और फिर सेट डेटा होगा, आप देख सकते हैं। राइट, तो चौथा नंबर का रिकॉर्ड यहां पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन फिर अगर अभी रिकॉर्ड पॉइंटर कहां पर है, समझिए कहां पर है? लास्ट रिकॉर्ड पे है। राइट, और मैं क्या कर रहा हूं? तो मैं यहां पे अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं और जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होती है आरएस डॉट मूव नेक्स्ट, हमारा जो रिकॉर्ड पॉइंटर है, राइट, वो रिकॉर्ड पॉइंटर यहां से हटके यहां पे आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, अब यहां पे आ जाएगा तो यहां पे तो कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, तो क्या होगा? एरर आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? सो हम देखते हैं कि एरर जनरेट होती है कि नहीं होती है। सो हम जैसे ही सेट डेटा पे जाते हैं, राइट, उसको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, आरएस डॉट फील्ड जीरो में से कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहां पे बता रहा है नो करंट रिकॉर्ड, दैट इज द रन टाइम एरर। ये भी एक टाइप की रन टाइम एरर है। राइट, तो ऐसा क्यों हुआ आपने? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर यहां पे चला आया, राइट, जिसको हम बोलते हैं एंड ऑफ फाइल पोजिशन। क्या बोलते हैं? एंड ऑफ फाइल पोजिशन बोलते हैं इसको। राइट, और अगर आप जैसे ही आप मूव नेक्स्ट करते हैं वैसे ही आप मूव प्रीवियस भी कर सकते हैं ना, तो मूव प्रीवियस करेंगे तो रिकॉर्ड पॉइंटर ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि बीओएफ भी हो सकता है, पहले रिकॉर्ड पे पॉइंटर पॉइंट करता हो और आप अगर मूव प्रीवियस करें तो रिकॉर्ड पॉइंटर तो यहां पर चला आएगा, फिर बीओएफ हो जाएगा ना, उसको बोलते हैं बीओएफ। अब समझने की जरूरत यह है कि ईओएफ और बीओएफ जो होती है वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। उसमें क्या होता है? उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है।
क्योंकि सबसे पहले रिकॉर्ड पॉइंटर इसको पॉइंट करता होता है। रिकॉर्ड पॉइंटर कहां पर होता है? यहां पर होता है। तो इस दोनों की वैल्यू फॉल्स होती है। अब रिकॉर्ड पॉइंटर यहां से हटके मान लो कि यहां पे आ गया, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहां पे आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही रिकॉर्ड पॉइंटर हटके यहां से अगर यहां पर आ जाता है तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है, क्योंकि आप कहां पर आ गए हैं भाई? एंड ऑफ फाइल पर आ गए हैं। वैसे ही अगर ये रिकॉर्ड पॉइंटर हटके यहां से यहां पर आ जाएगा मान लो कि, तो इस केस में क्या होगा? इसकी वैल्यू डेफिनेटली फॉल्स रहेगी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? सो बीओएफ ऑन यूएफ क्या है आपको पता होना चाहिए। रिकॉर्ड सेट की दो प्रॉपर्टी है। रिकॉर्ड सेट की कितनी प्रॉपर्टी है? दो प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी बोलते हैं एंड ऑफ फाइल, दूसरी प्रॉपर्टी है बिगिनिंग ऑफ द फाइल। और ये बिगिनिंग ऑफ द फाइल में ट्रू कब होता है वो आपको पता होना चाहिए, और एंड ऑफ फाइल में ट्रू कब होता है वो आपको पता होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट बोथ आर फॉल्स, बाय डिफॉल्ट बोथ आर फॉल्स, बाय डिफॉल्ट बोथ आर फॉल्स डेफिनेटली। लेकिन कब, ये समझने की जरूरत है। समझिए मेरी बात को। अगर मान लो कि आप क्वेरी पास करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेर वेर सिटी इक्वल टू अहमदाबाद, अगर आपने ऐसी क्वेरी पास की है, समझिए मेरी बात को, तो रिजल्ट क्या आएगा भाई? तो वही रो फेच होगी कि जिसकी सिटी अहमदाबाद है। अब हमारे डेटाबेस में किसी की भी सिटी अहमदाबाद है नहीं है, मतलब कि कोई भी रो नहीं आएगी। मतलब जब आप ये लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एक भी रो नहीं आएगी। अब एक भी रो नहीं आएगी राइट, तो इस केस में हमारा डेटाबेस कुछ ऐसा होगा, हमारा जो बोलते हैं ना ये जो हमारा रिकॉर्ड सेट कुछ ऐसा होगा, सॉरी कुछ ऐसा होगा, वन मिनट, रिकॉर्ड सेट हमारा कुछ होगा। यानी कि अब रिकॉर्ड पॉइंटर कहां पर होगा? तो अब रिकॉर्ड पॉइंटर आप बोल सकते हैं कि रिकॉर्ड पॉइंटर इस दोनों को पॉइंट करता होगा एक साथ, यानी कि बीओएफ फाइल वो भी ट्रू होगी और एंड ऑफ फाइल उसको भी आप ट्रू बोल सकते हैं। इस केस में ऐसा ही होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? राइट, ओके, जस्ट टेक अपने इसको हम रन करके देखते हैं राइट क्या होता है। आप देखिए राइट, क्वेरी तो सही है, यहां पे तो एरर आई नहीं है, लेकिन जैसे ही हम सेट डेटा में जाते हैं तो आपको यहां पे देखिए नो करंट रिकॉर्ड, रन टाइम एरर जनरेट हो रही है ना। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने जो क्वेरी पास की है उसके हिसाब से एक भी रिकॉर्ड रिकॉर्ड सेट में नहीं आता है राइट। अब रन टाइम एरर आएगी तो आपको तो पता है कि रन टाइम एरर से क्या होता है, सिस्टम क्रैश हो जाती है। सो आपको यहां पे जब आप सेट डेटा मेथड को कॉल करवाते हैं तो उससे पहले आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन रखनी पड़ेगी, इफ आरएस डॉट एंड ऑफ फाइल नॉट इक्वल टू ट्रू, जब तक वो फॉल्स है, और आरएस डॉट बीओएफ नॉट इक्वल टू ट्रू राइट, देन तभी आपको यह काम करना है। यह आपका वैलिडेशन हो गया एक प्रकार से राइट। अगर आरएस एंड ऑफ फाइल ट्रू नहीं है और बी ऑफ फाइल दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तभी हमें आगे बढ़ना है। अगर दोनों में से एक भी ट्रू है मतलब क्या है कि आपका जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो प्रॉपर रिकॉर्ड पे नहीं है। देखते चलो राइट, ईओएफ क्या है भाई? ट्रू। बीओएफ क्या है? ट्रू। दोनों ट्रू है, मैंने बोला वही हुआ कि अभी रिकॉर्ड पॉइंटर आपका है वो दोनों को पॉइंट कर रहा है राइट। सो इस केस में वो सेट डेटा नहीं करेगा, बाहर चला जाएगा, एक भी रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा राइट। अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आरएस डॉट मूव नेक्स्ट, सो देयर इज नो करंट रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो वो नेक्स्ट कैसे जाएगा भाई फिर राइट।
कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इसमें भी एरर आ सकती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस केस में भी आप यहां पे कंडीशन रख सकते हैं कि इफ आरएस डॉट राइट, यही कंडीशन आपको रखनी है। राइट, काम कब करना है? तभी हमें काम करना है। समझ में आ रही है बात? अब मैं ब्रेक पॉइंट इसको हटा देता हूं जी, अब एरर नहीं आएगी क्योंकि राइट, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं राइट, पहले कंडीशन चेक होगी कि क्या आरएस डॉट एंड ऑफ बाई ट्रू है। यस, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, उस केस में सीधा बाहर निकल जाएगा। राइट, अब समझ में आ रही है बात मेरी कि एंड ऑफ फाइल ट्रू कब होगी? मतलब कि हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर जो है राइट, वो एंड ऑफ फाइल पे कब जाएगा और बिगिनिंग ऑफ द फाइल में पर कब जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। राइट, सो अब मैं यहां पे जो हमारा पहला स्ट्रक्चर था वो उस पर मैं जाता हूं। यहां पे मैं रिकॉर्ड पॉइंटर को सेट करता हूं और यहां पे मैं वेयर क्लोज जो है हमारा उसको हटा देता हूं। राइट राइट, इस केस में अब आप देख सकते हैं नो करंट रिकॉर्ड, ये एरर क्यों जनरेट हुई वो मैं आपको समझाता हूं। सी, मैं इसको जैसे ही रन करता हूं, ब्रेक पॉइंट यहां पे रखता हूं, सबसे पहले नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं एंड ऑफ फाइल फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये नेक्स्ट पे जाएगा और ये डेटा फिलअप करेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे सेकंड नंबर का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, अगेन अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो काम हो रहा है। अगेन मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं, ये फोर्थ नंबर पे रिकॉर्ड कर चला गया और फोर्थ नंबर का जो रिकॉर्ड है वो हमारा डिस्प्ले हो गया। तो अभी जो हमारा रिकॉर्ड सेट है वो इसको पॉइंट करता है फोर्थ को। समझ में आ रही बात? अब मैं अगर क्लिक करता हूं राइट यहां पे नेक्स्ट पे, तो अभी तो बीओएफ भी फॉल्स है और एंड ऑफ फाइल भी फॉल्स है, आप देख सकते हैं यहां पे, तो मूव नेक्स्ट होगा। अब जैसे ही मैंने मूव नेक्स्ट किया राइट, रिकॉर्ड पॉइंटर कहां पे चला गया भाई? आपका रिकॉर्ड पॉइंटर था वो तो यहां पे चला आया ना। समझ में आ रही है बात मेरी? अब वो ट्राई करेगा एक्सेस करने के लिए राइट, यानी कि वो इसमें आएगा तो यहां पे सीधा प्रॉब्लम खड़ा होगा क्योंकि आपका जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो आउट ऑफ बाउंड्री चला गया, यानी कि एंड ऑफ द फाइल पर चला गया है। तो ये जो आपकी कंडीशन है वो आपको यहां पर भी रखनी जरूरी है, तभी आपका अच्छे तरीके से काम होगा, तभी आपको रन टाइम एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज रन टाइम एरर का आपको सामना करना पड़ सकता है। समझ में आ रही बात? अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सी, स्टिल देयर इज ए प्रॉब्लम, एंड ऑफ फाइल इज ट्रू, बिगिनिंग राइट, तो यहां पे मुझे एंड क्लोज लेना पड़ेगा। फिर क्यों दिक्कत आती है भाई? यहां पर भी शायद मुझे एंड पे जाना पड़े, मे बी मैंने और किया है, वो शायद मेरी गलती है थोड़ी। जस्ट अ मिनट, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बात? तो ये आपको एक थोड़ा ध्यान रखना है बस। ओके, नाउ अगर मुझे अब क्या करना है, जब फिर से मैं हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर है उसको यहां पे सेट करता हूं। अरे यार क्या दिक्कत है यहां पे,
राइट, यहां से मैं इसको हटा देता हूं, राइट सो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके, अगर मैं प्रीवियस पे क्लिक करता हूं तो उस केस में क्या होना चाहिए, तो जो मैंने नेक्स्ट किया है वही काम मुझे प्रीवियस में करना है, यानी कि ये जो कोड है उसको मुझे कॉपी कर देना है, राइट सिर्फ मुझे करना क्या है यहां पे मूव प्रीवियस करवाना है। समझ में आ गई बात? फर्स्ट पे जब क्लिक होगा तो मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड पॉइंटर को मुझे कहां ले जाना है, फर्स्ट पे ले जाना है, बाकी तो एज इट इज। और लास्ट पे जब क्लिक होगा तो रिकॉर्ड पॉइंटर को मुझे क्या कहां ले जाना है, मूव लास्ट पे ले जाना है, दैट्स ऑल। समझ में आ गई बात? सो लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस एंड फर्स्ट, राइट, इसका कोड मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया है। फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट एंड प्रीवियस, राइट, अगर काम करता है तो ठीक है। रिकॉर्ड पॉइंटर को सिंपली मैंने क्या करवाया क्या है, तो मैंने कुछ ज्यादा वो किया नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं, रिकॉर्ड सेट को पॉइंटर को मूवमेंट करवा रहा हूं, चाहे वो मूव नेक्स्ट हो, चाहे वो मूव लास्ट हो, चाहे प्रीवियस हो, चाहे वो मूव फर्स्ट हो, और फिर मैं डेटा को सेट कर देता हूं बस। तो मैंने वही तो पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि भाई आपको क्या करना है, आपको बस इस रिकॉर्ड पॉइंटर को मूवमेंट में आपको पता चलना चाहिए कि मूवमेंट कैसे करानी है, बस ये मूवमेंट प्रॉपर करवाते रहो और डेटा को डिस्प्ले करवाते रहो। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? ओके, थोड़ा आगे बढ़ते जाओ, मैंने अभी तक रन नहीं किया है, आपको रन करके दिखा देता हूं। लास्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट, प्रीवियस, ओके प्रीवियस नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत है, क्या दिक्कत है जरा देख लेते हैं। चलो प्रीवियस पे कुछ दिक्कत आ रही है, चलो अगर प्रीवियस पे हम आते हैं तो एंड ऑफ फाइल फॉल्स है, मूव प्रीवियस होगा तो बीओएफ ट्रू हो जाएगा ना, यस हो गया, सीधा बाहर चले जाएंगे हम क्योंकि बीओएफ ट्रू है, राइट ओके फाइन। तो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब मैं प्रीवियस पे क्लिक करता हूं, क्यों यस, अगर आप प्रीवियस पे चले गए तो यहां पे तो आरएस एंड ऑफ फाइल ट्री हो गया, अगर आरएस एंड ऑफ फाइल ट्री हो जाएगा तो फिर ये काम नहीं होगा, राइट तो इसको थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करे क्या ना करे। ओके, सो मैं क्या करता हूं यहां पे प्रीवियस का लॉजिक थोड़ा चेंज कर देता हूं, चलो प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों का, प्रीवियस और नेक्स्ट का जो लॉजिक है थोड़ा मैं चेंज करता हूं, राइट जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा मुझे सिंपली क्या करना है, आरएस डॉट मूव नेक्स्ट पे चला जाना है। अब नेक्स्ट हो गया, अब नेक्स्ट हो जाने के बाद मुझे चेक करवाना है कि इफ आरएस डॉट, क्योंकि वहां पे सबके पॉसिबिलिटी यही है कि एंड ऑफ फाइल जो है राइट वो ट्रू हो जाएगी, इफ आरएस डॉट एंड ऑफ फाइल इक्वल टू ट्रू, अगर ट्रू हो जाती है तो मुझे क्या करना है, इसका मतलब ये हुआ, सी समझिए मेरी बात को, अगर आरएस डॉट एंड ऑफ फाइल जब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं और आरएस डॉट एंड ऑफ फाइल ट्रू हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं लास्ट रिकॉर्ड से आगे चला गया, यस और नो? तो उस केस में सी मैं यहां पर बता देता हूं, एंड ऑफ फाइल ट्रू कब होगी, जब मेरा पॉइंटर यहां पर होगा और मैं यहां पर आ जाऊंगा तभी एंड ऑफ फाइल ट्रू होगा ना, समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर मैं यहां पे चला आता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, सिंपली मुझे यहां पे बैक जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सिंपली यहां पे मुझे बैक चला जाना चाहिए। इसका मतलब अगर ऐसा होता है तो मैं यहां पे मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवा सकता हूं, राइट यू आर एट लास्ट पोजिशन, यू आर एट लास्ट पोजिशन, राइट ऐसा मैं मैसेज डिस्प्ले करवा सकता हूं, राइट वी बी इंफॉर्मेशन। मैसेज डिस्प्ले करवाने के बाद मुझे क्या करना है, आर एस डॉट
मूव लास्ट, लास्ट रिकॉर्ड पे मुझे चला जाना है, बस दैट्स ऑल। और उसके बाद इससे बाहर निकलने के बाद मुझे क्या करना है, सेट डेटा करवा देना है। समझ रहे मेरी बात को? सी, फर्स्ट में हूं, नेक्स्ट में, नेक्स्ट में, नेक्स्ट में। अभी मेरा पॉइंटर कहां पर होगा? यहां पर होगा ना। अभी मेरा फोर्थ रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, समझिए मेरी बात को। आप लेक्चर को नेक्स्ट प्रीवियस करके देख सकते हैं थोड़ा। अभी मेरा फोर्थ नंबर का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, मतलब कि मेरा पॉइंटर यहां पर है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं यहां से नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं, तो मैसेज क्या आ रहा है, यू आर एट लास्ट पोजिशन। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहां पर क्या किया है, सी आर एस डॉट मूव नेक्स्ट। जैसे ही मैंने ये मूव नेक्स्ट होगा, सी फिर से हम ट्राई करते हैं, मूव नेक्स्ट, सी ये मूव नेक्स्ट हो गया। अब मूव नेक्स्ट हुआ तो क्या हुआ, ये रिकॉर्ड पॉइंटर यहां से हट के रिकॉर्ड पॉइंटर यहां पे चला आया। ये इंटरनल प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस जो होगी वो इंटरनल ही होगी, वो तो आपको समझना है। मुझे तो समझ में आ गया, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आ गई और इसकी वैल्यू ट्रू हो गई, इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू हो गई। अब इसकी वैल्यू ट्रू हो गई तो होगा क्या, होगा ये कि आरएस डॉट एंड ऑफ फाइल इक्वल टू ट्रू बताएगा, दिखा रहा है हमें, तो आपको मैसेज ट्रू करेगा और फिर वो क्या करेगा, मूव लास्ट पे मूव कर देगा, मूव लास्ट पे मूव कर देगा। अब मूव लास्ट पे मूव कर देगा मतलब रिकॉर्ड पॉइंटर यहां से हटके फिर से यहां पर चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा और यह क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। आप देख सकते हैं ये फॉल्स हो गया, वो गया होगा और फिर सेट डेटा भी जाएगा, तो अब आपका डेटा प्रॉपरली सेट हो जाएगा, तो जो दिक्कत आती थी वो दिक्कत नहीं आएगी। अब समझ में आई मेरी बात, इसलिए मैंने ये लॉजिक चेंज कर दिया थोड़ा, राइट। वैसा ही लॉजिक मैं प्रीवियस पे कर सकता हूं। अब प्रीवियस पे मुझे क्या करना है, सो प्रीवियस पे मुझे क्या करना है, आर एस डॉट सबसे पहले मूव प्रीवियस करवा देना है। क्या करवा देना है, मूव प्रीवियस। तो मेरा रिकॉर्ड पॉइंटर जहां पर भी होगा वहां से एक रिकॉर्ड बैक यानी कि प्रीवियस हो जाएगा। अब वहां पे पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मान लो कि इनिशियल लेवल पर यानी कि इस लेवल पे अभी मेरा रिकॉर्ड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, अभी तो इस रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है ना, अभी किसको पॉइंट कर रहा है, पहले रिकॉर्ड को। अब अगर मैं मान लो कि मूव प्रीवियस पे क्लिक करता हूं तो मेरा रिकॉर्ड पॉइंटर यहां पर चला आएगा, यस और नो, और यह क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहां से तो कोई रिकॉर्ड मिलने वाला नहीं है, तो फिर तो रन टाइम एरर आएगी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे क्या करना है, अगर ऐसा होता है, अगर बीओएफ ट्रू हो जाता है तो मुझे क्या करना है, सिंपली मेरे रिकॉर्ड पॉइंटर को राइट मूव फर्स्ट पे ले जाना है। अगर वो मूव फर्स्ट पे चला जाएगा तो मेरा बिगिनिंग ऑफ द फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो उस केस में मुझे यहां पर क्या करना है, चेक करवाना है इफ इफ आर एस डॉट बीओएफ बीओएफ इक्वल टू अगर ट्रू हो जाता है, देन मुझे क्या करना है, मैसेज बॉक्स तो देना ही देना है बराबर, और यहां पे मुझे लिखना है यू आर एट फर्स्ट पोजिशन, यू आर एट फर्स्ट पोजिशन। समझ में आ गई बात, राइट। और यहां पे वीबी इंफॉर्मेशन करके आपको मैसेज शो कर देना है, देन एंड इफ, और यहां पे आपको क्या करना है, सेट डेटा। समझ में आ रही है मेरी बात? इतना कोडिंग करके भी रन टाइम एरर तो जनरेट होगी ही होगी कहीं ना कहीं, कैसे होगी वो भी मैं आपको दिखाता हूं, रन टाइम एरर जनरेट करके दिखाता हूं, क्योंकि मुझे तो पता है क्या क्या होने वाली है, थोड़ा सा आइडिया है। हो सकता है मुझे 100% आइडिया ना हो, लेकिन आपको तो 10% भी नहीं है अभी, तो मुझे एटलीस्ट 80-90% आइडिया आ रहा है कि कहां कहां से एरर जनरेट होगी। एक तो दूसरी बात, आप अगर ये यहां पर भी एरर जनरेट हो सकती है पहली लाइन में, अगर आपका डेटाबेस की फाइल ही ना हो तो, जहां से आप डेटाबेस को लोड करवा रहे हैं वो फाइल अवेलेबल ना हो तो वहां पर भी एरर आ सकती है। अगर आपकी क्वेरी खोटी हो राइट, यानी कि गलत हो, समझ रहे हैं मेरी बात को, अगर क्वेरी गलत है फिर भी दिक्कत आ सकती है राइट। उसके अलावा भी और भी चांसेस है, वो मैं आपको दिखाता हूं। चलो
सो प्रीवियस सी यू आर एट द फर्स्ट पोजिशन. ओ देयर इज द एरर. मैंने मूव फर्स्ट पे नहीं गया मैंने राइट यस एक यहाँ पे रह गया दैट इज आर एस डॉट मूव फर्स्ट. फर्स्ट पे मैं नहीं गया, मुझे रिकॉर्ड पॉइंटर को फर्स्ट पे मूवमेंट करवानी है. ओके अब दिक्कत नहीं आएगी. सी लास्ट फर्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट कोई दिक्कत आ रही है? अभी कोई रन टाइम एरर नहीं आ रही है. लेकिन अब रन टाइम एरर कहां पर आएगी? तो अब रन टाइम एरर का केस बदल जाता है. फॉर एग्जांपल आपने जो क्वेरी पास की है फ्रेंड राइट, वो क्वेरी अगर ऐसी है वेयर सिटी इक्वल टू अहमदाबाद, यानी कि एक भी रो नहीं आने वाली है. क्या होगा? एक भी रो नहीं आएगी तो यहां पे तो रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा. लेकिन आप देखो जैसे ही मैंने प्रीवियस पे क्लिक किया यहां पे नो रिकॉर्ड आ रही है, क्योंकि आपके डेटाबेस में एक भी रिकॉर्ड नहीं है. तो फिर अगर एक भी रिकॉर्ड नहीं है तो आपका जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो मूव प्रीवियस कैसे करेगा यार? समझ में आ रही है मेरी बात? वैसे ही अगर आप फर्स्ट पे क्लिक करते हैं लास्ट में तो दिक्कत नहीं आती है, नेक्स्ट पे जाते हैं तो फिर यहां पे एरर आ रही है, क्योंकि अगर एक भी रिकॉर्ड नहीं है तो आपका रिकॉर्ड पॉइंटर जो है वो मूवमेंट कैसे करेगा. तो ये भी एक यहां पे एरर आने की पॉसिबिलिटी है. तो इसको सॉर्ट आउट कैसे करेगा आप? तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं आप फ्रेंड, इसके लिए एक फ्रेम ले लो आप राइट, और इसका कुछ नाम दे दो FRM नेविगेशन. FRM नेविगेशन ऐसा मैंने नाम दे दिया है इसका राइट. और इसके कैप्शन में से मैं डेटा को हटा देता हूं, समझिए मेरी बात को. और ये जो चार बटन है इसको मैं यहां से कट करके इस फ्रेम के अंदर पेस्ट करूं. एक मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझता हूं एक सॉल्यूशन है, डिपेंड करता है आप पे कि आप इसका दूसरा भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, डजंट मैटर राइट. अब समझिए जब एक भी रिकॉर्ड यहां पे नहीं आएगा राइट, एक भी रिकॉर्ड यहां पे नहीं आएगा तो क्या क्या होगा? होगा ये जब एक भी रिकॉर्ड नहीं होगा राइट, तो उस केस में ये सेट डेटा पे नहीं जाएगा लेकिन एल्स केस में चला जाएगा लोड इवेंट पे. और जैसे ही वो एल्स केस में जाता है मेरा काम क्या है, मुझे जो मेरी फ्रेम है नेविगेशन वाली उसको इनेबल, जो इनेबल है उसको मुझे फॉल्स कर देना है, बस डीएक्टिवेट कर देना है. सी लाइक दिस, ये पूरे बटन को आप प्रेस ही नहीं कर सकते. अब जब प्रेस ही नहीं कर सकते तो एरर आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. आप समझ में आ गई बात मेरी? सो वो डिपेंड करता है आपके माइंड पे, आपके माइंड पे थोड़ा आपको जोर लगाना पड़ेगा कि भाई कहां पर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करें. अब ये सारा तो मैं आपको नहीं समझा सकता लेकिन मैंने ट्राई किया है आपको समझाने के लिए. अब समझ में आ गई बात? चलो अब मैं यहां से इस क्लोज को हटा देता हूं, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है. सब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप ये सब काम कर सकते हैं. नाउ क्लियर? ओके अब बात आती है कि हाउ टू एड द रिकॉर्ड. अगर मुझे रिकॉर्ड को ऐड करना है तो मैं क्या कैसे करूं? तो अगर आपको रिकॉर्ड को ऐड करना है तो आप यहां पे एक काम करें और एक फ्रेम ले ले भाई, ये तो नेविगेशन का काम हो गया राइट. इसको हम क्या बोलते हैं? नेविगेशन बोलते हैं. सो मैं यहां पे लिख लेता हूं तो आपकी नजर में ही रहेगा ये, तो आपको समझ में आएगा कि इसको क्या बोलते हैं, नेविगेशन बोलते हैं राइट. सो मैं यहां पे ऐसे फ्रेम लेता हूं, इस फ्रेम में मुझे कैप्शन की कोई जरूरत नहीं है ठीक है. अब मुझे क्या करना है? कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है फ्रेंड. अगर मुझे नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? सो अगर आपको नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो यहां पे दो मेथड है वो मैं दिखा देता हूं. आर एस डॉट एड न्यू,
राइट right? एक ये फंक्शन का आपको जरूरत पड़ेगी, और दूसरा फंक्शन होगा आरएस डॉट अपडेट, आपको ये फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि आपको क्या करना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही काम करना है, सबसे पहले लिखना है आरएस डॉट एड न्यू। अब जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, डेटाबेस में एक ब्लैंक रिकॉर्ड एड हो जाएगा। क्या होगा, डेटाबेस के अंदर ब्लैक रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, और रिकॉर्ड पॉइंटर है वो वहां पर चला जाएगा जहां पर आपका ब्लैंक रिकॉर्ड ऐड हुआ है, रिकॉर्ड पॉइंटर उसको पॉइंट करेगा। समझ में आ रही है बात? जैसे ही मैंने आरएस डॉट ऐड न्यू लिखा, यहां पर एक ब्लैंक रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा यहां पे, और ये रिकॉर्ड पॉइंटर है वो यहां से यहां पर चला आएगा। मतलब वो एंड ऑफ फाइल पे नहीं है, समझिए, एक ब्लैंक रिकॉर्ड बना है वहां पर है, देयर इज नो एंड ऑफ फाइल। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसके अंदर वैल्यू डालनी है। अब वैल्यू डालने के लिए आपको क्या करना है, सो आपको लिखना है आरएस डॉट फील्ड, जो फील्ड है आपका जीरो नंबर का, उसमें आपको रोल नंबर डालना है, फॉर एग्जाम्पल 5। आरएस डॉट फील्ड जो 1 नंबर का है आपका, वहां पर आपको नेम डालना है, फॉर एग्जाम्पल राजेश। वैसे ही आपको आरएस डॉट फील्ड 3 में वैल्यू डालनी है और आरएस डॉट फील्ड 4 में वैल्यू डाल देनी है। राइट, समझ गए मेरी बात को? और फिर आपको क्या करना है, उसको सेव कर देना है। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, सेव लाइन वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, डेटाबेस में आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। अब समझ में आ गई बात? वैसे तो आपको यही काम करना है एड करने के लिए, नथिंग एल्स। अगर अपडेट करना है आपको, तो अपडेट करने के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा। राइट, अपडेट करने के लिए वैसे आपको यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू चेंज कर दीजिए, कि सेव कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। राइट, ओके, तो ये काम कैसे कर सकते हैं हम? सो इसके लिए मैं थोड़ा यहां पर काम अलग तरह से करता हूं, ध्यान दीजिए। मैं यहां पर एक बटन ले रहा हूं जिसका मैं नाम दे रहा हूं एड। राइट, सो btn एड करके मैं बटन ले रहा हूं, और इसके बाजू में एक बटन मैं रखता हूं जिसका नाम मैं दे रहा हूं, यहां पे रखता हूं सेव। समझ में आ रही है मेरी बात? सो यहां पे मैं भी लिखूंगा btn सेव। अब मैंने ऐसा क्यों किया, आप समझिए मेरी बात को। ये जो सेव वाला बटन है, इसको बाय डिफॉल्ट में इनेबल जो है उसको फॉल्स रखता हूं, ध्यान से देख लीजिए। यहां पे ये जो बटन है, इसकी इनेबल प्रॉपर्टी जो है, इसको मैं बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखूंगा। सो जब हमारा जो रन होगा प्रोग्राम, सो जो आउटपुट दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, सेव बटन को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। सो मैं जब एड पे क्लिक होगी, राइट, सो मैं यहां पर लिखूंगा आर एस डॉट एड न्यू रेकॉर्ड। सबसे पहले अब एड न्यू करूंगा तो क्या होगा, हमारा डेटाबेस है उसमें ब्लैंक रेकॉर्ड एड हो जाएगा, और हमारा रेकॉर्ड पॉइंटर जो है वो उस रो को पॉइंट करेगा। फिर मैं क्या कर रहा हूं, टीएक्सटी, राइट, जो हमारा रोल नंबर है, डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एम्प्टी करवा देता हूं। टीएक्सटी जो नेम है उसकी जो टेक्स्ट है इसको भी एम्प्टी करवा देता हूं। txt सिटी जो है इसकी जो टेक्स्ट है इसको भी एम्प्टी कर देता हूं, और txt जो मोबाइल है इसकी जो टेक्स्ट है उसको भी मैं एम्प्टी कर देता हूं, और मैं हमारे txt जो रोल नंबर है वहां पे मैं फोकस को सेट कर देता हूं, कंट्रोल वहां पे चला जाएगा। और हमारा जो बटन है यानी कि btn add डॉट इनेबल इक्वल टू में इसको फॉल्स कर देता हूं, और जो हमारा बटन जो सेव वाला है उसको मैं अब इनेबल ही ट्रू कर देता हूं। समझिए मेरी बात को, जैसे बटन पे क्लिक होगी एक नया रिकॉर्ड एड हो जाएगा ब्लैंक, सेव करना बाकी है, चारों टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाएंगे, रोल नंबर पे फोकस सेट हो जाएगा, एड वाला जो बटन है जिस पे हमने क्लिक किया अभी वो इनेबल फॉल्स हो जाएगा, और हमारा सेव वाला जो बटन है
जिस पे हमें क्लिक करनी है, अब ऐड करने के बाद उस पर क्लिक करके सेव करना है, वो बटन एक्टिव हो जाएगा। देखना है, देखते हैं। चलो सी, ये सब क्लियर हो गया। यहां पे आप लिख सकते हैं 5 वॉट एवर, जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, और सेव वाला बटन एक्टिवेट हो गया। अब सेव पे क्या करना है, ध्यान से देखिए। तब जब सेव पे क्लिक होगी तो सेव पे मुझे क्या करना है, rs.fill, कौन सा फील्ड भाई, 0, जहां पे रिकॉर्ड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहां पे मुझे रोल नंबर की वैल्यू चाहिए, राइट। अब इसको कॉपी कर देता हूं, चलो राइट। देन यहां पे जो फील्ड हमारा आएगा वो 1 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा और 3 नंबर का होगा। यहां पे मुझे चाहिए नेम, यहां पे वैल्यू लानी है मुझे सिटी में से, और यहां पे मुझे वैल्यू लानी है मोबाइल में से। तो सारी वैल्यू फील्ड में आ गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे जस्ट लिखना है rs.update, कौन सी मेथड को कॉल करवाना है, अपडेट। जैसे ही ये अपडेट मेथड कॉल होगी डेटाबेस में वो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा फ्रेंड, वो सेव हो जाएगा। उसके बाद मुझे एक मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवा देना है कि भाई रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ऐसा कुछ मैसेज आपको डिस्प्ले करवा देना है। राइट, ये मैसेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ये मैसेज जब डिस्प्ले हो जाता है उसके बाद ये जो बटन है आपका btn सेव एड, इसको इनेबल ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फिर दूसरी बार अगर आपको आपको ऐड करवाना है तो, और आपका जो बटन है सेव वाला उसको आपको क्या करना है, राइट, डॉट इनेबल इक्वल टू आपको उसको क्या कर देना है, अगेन इसको फॉल्स कर देना है। यस, एक बात और, यहां पे आपको कंडीशन भी रखनी पड़ेगी। क्या कंडीशन, कि इफ txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एम्प्टी, और राइट, ये कंडीशन सारे के लिए आपको आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। चार कंडीशन, यानी कि पहले किसके लिए, रोल नंबर वाला एम्प्टी है, अथवा यानी कि और नेम वाला कोई एम्प्टी है, और अगर ये सिटी वाला एम्प्टी है, और अगर ये मोबाइल वाला एम्प्टी है, तो उस केस में देन आपको क्या करना है, यहां पे मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवाना है। क्या करना है, मैसेज बॉक्स और लिखना है फिल डिटेल्स, फिल डिटेल्स वीबी, कोई भी आप दे सकते हैं, एरर वाला भी दे सकते हैं, राइट। अगर ये सब सही है, यानी कि एल्स केस, तो एल्स केस में ये सब काम करना है आपको भाई, राइट। अदरवाइज क्या होगा, एक ब्लैंक रिकॉर्ड अगर आप सेव कराएंगे तो ब्लैंक रिकॉर्ड फिर तो वो हो जाएगा ना, समझ में आ रही है मेरी बात, तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे ही काम कर सकते हैं। अब मेरी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी। चल मैं आपको ब्रेक पॉइंट रख के समझाता हूं, तभी आपको मेरे ख्याल से समझ में आएगा, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं यहां पे ऐड पे क्लिक करता हूं, राइट आप ध्यान से देखते रहिए, मैंने ऐड पे क्लिक किया है, राइट। अब क्या होता है, rs.add new, एक ब्लैंक रिकॉर्ड ऐड हो गया, ये वैल्यू चली गई, देखो नेम से वैल्यू चली गई, मोबाइल से वैल्यू चली गई, और रोल नंबर पे फोकस सेट हो गया। यहां पे ये बटन जो इनेबल है वो फॉल्स हो गया, और ये बटन इनेबल ट्रू हो गया, एंड सब आपका कंट्रोल यहां पे चला आया, क्लियर। अब मैं यहां पे वैल्यू डालता हूं, चलो 5 नेम, फॉर एग्जांपल सौरभ तिवारी है,
मुंबई, क्लियर। और फिर मैं सेव पे क्लिक करता हूं। तो अब सेव पे मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी कि सारे जो फील्ड है वो नॉन एम्प्टी है, यस नॉन एम्प्टी है। तो फिर क्या होगा, आर एस डॉट फील्ड जीरो जो कि नल है उसमें वैल्यू आ गई 5, यहां पे 2 आर सौरभ तिवारी आ गया, यहां पे मुंबई आ गया, यहां पे आपका मोबाइल नंबर आ गया, और अब होता है आर एस डॉट अपडेट। जैसे ही अपडेट हो गया रिकॉर्ड आपका सेव हो चुका है फ्रेंड, रिकॉर्ड सेव हो गया, फिर मैसेज आ गया रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। फिर ये आपका ऐड वाला बटन जो है वो ट्रू हो गया और ये सेव वाला बटन है वो इनेबल फॉल्स हो गया। समझ में आ गई बात, राइट। सो अब मैं उसको मैक्सिमाइज कर देता हूं। सो हमने एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया है फ्रेंड, डेटाबेस में वो रिकॉर्ड यहां पे डिस्प्ले हो रहा है, नहीं हो रहा है क्योंकि ये टेबल ऑलरेडी ओपन है। मैं इसको क्लोज कर देता हूं। नाउ मैं अगेन उसी टेबल को ओपन करता हूं। ध्यान से देखिए भाई, पांचवा जो हमारा रिकॉर्ड था वो आना चाहिए आपके सामने। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? ओके। अब जब हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करेंगे तो हमारे पास जो हमारा रिकॉर्ड सेट होगा वो कुछ ऐसा होगा फ्रेंड, हमारा जो रिकॉर्ड सेट होगा वो कुछ ऐसा होगा। ध्यान से देख लीजिए आप, हमारा रिकॉर्ड सेट कुछ ऐसा आएगा और बाय डिफॉल्ट जो होगा वो यहां पे पॉइंट होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, राइट। चलो ट्राई करते हैं, फिर से रन करते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट, नाउ दैट इज द लास्ट पोजीशन। अब समझ में आ गया क्या? अभी तक नहीं आया, अब तो आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत ही इजी है, राइट। ओके, तो ऐड और सेव हो गया फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, ऐड और सेव तो हो गया लेकिन अभी और कुछ काम बाकी है, यानी कि एक बटन और लेना है मुझे। ये जो बटन है मेरा वो बटन एडिट करेगा, क्या करेगा, एडिट, यानी कि अगर मुझे कोई रिकॉर्ड को एडिट करना है तो। सो इसके लिए मैं बटन का नाम रखता हूं BTN एडिट, और एक और बटन मुझे लेना है जो कि रिकॉर्ड को डिलीट करेगा। सो मैं यहां पे बटन रखता हूं जहां पे मैं लिखूंगा डिलीट, यानी कि यहां पे मैं लिखने वाला हूं BTN डिलीट, तो कोई रिकॉर्ड को वो डिलीट करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात, चलो प्रॉपरली बटन को सेट कर देते हैं। बटन थोड़े बड़े हो गए हैं तो उनको थोड़ा छोटा करना जरूरी है, ज्यादा बड़े हो जाएंगे मजा नहीं आएगा काम करने में। फिर अगर आपका डिजाइनिंग अच्छा हो ना तो आपको काम करने में थोड़ा मजा आएगा। अब एडिट पे क्या करना है फ्रेंड, तो अगर कोई मेथड है आरएस डॉट एडिट तो उसको एडिट कर देना है एडिट मोड में। अब जब एडिट करते हैं तो आपका करंट रिकॉर्ड पॉइंटर जहां पर भी हो, अगर आपका रिकॉर्ड पॉइंटर यहां पर है तो ये रिकॉर्ड मोड जो है वो एडिट मोड में आ जाएगा। कौन से मोड में आएगा, एडिट मोड में आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, उसके बाद तो आपको वही काम करना है भाई, उसके बाद आपको क्या करना है, वही काम करना है जो हमने काम किया था, जो अपडेट पे किया था, सॉरी नहीं मेरे ख्याल से एडिट करने के बाद आपको क्या करना है, यस एडिट करने के बाद आपको जो आरएस सॉरी आपका एडिट बटन है इसको इनेबल फॉल्स करना है, और जो आपका BTN सेव है इसको आपको इनेबल क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। मैं समझाता हूं आपको,
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। और आपको जो आपका टीएसटी, क्योंकि एमटी तो करवाना नहीं है, अब आपका जो रोल नंबर है वहां पे आपको सेट फोकस करना है बस। अब आपको जो चेंजेस करने हैं आप कर सकते हैं वहां पे। अब चेंजेस करने के बाद आपको जब सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव पे तो यही होना है, यही काम होगा, जो भी नई वैल्यू होगी वो इसमें चली जाएगी और आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक और काम करना है, दैट इज btn edit डॉट इनेबल इक्वल टू आपको यहां पे ट्रू कर देना है, इसको भी इनेबल ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट करने के लिए, सेव करने के लिए हमारे पास कॉमन है, क्योंकि मेथड ही कॉमन है अपडेट, और काम वही करना है सेम टू सेम। सो हम कोई दूसरा बटन भी इसलिए नहीं ले रहे हैं, देखते हैं। चलो हमारा रिकॉर्ड नंबर वन, राइट, और ये फोन नंबर का जो रिकॉर्ड है राजेश का, उसकी में मुझे सिटी चेंज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एडिट करूंगा। अब जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूं, सेव पे क्लिक कैसे हुई, सेव पे तो मैंने क्लिक नहीं की, जस्ट अ मिनट, वंस, सेव पे क्यों चला आता है भाई, आई डोंट नो, मैं क्लिक कर रहा हूं एडिट पे तो ये सेव पे क्यों चला आता है, समझ में नहीं आ रहा है भाई, रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड कैसे, कैसे, कुछ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है वो समझनी पड़ेगी। चलो एक बार मैं डेटाबेस को ओपन करके देख लेता हूं, क्योंकि कोई दिक्कत तो नहीं आई ना भाई, नहीं, पांच ही रिकॉर्ड है। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई, जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूं तो वो btn एडिट वो तो ठीक है, btn एडिट पे मैंने क्या किया है, रिकॉर्ड को मैं एडिट करता हूं, एडिट को इनेबल फॉल्स कर देता हूं, ठीक है, btn सेव को मैं ट्रू कर देता हूं, नहीं इसको, हाँ राइट राइट राइट, इसीलिए मैं डायरेक्टली ट्रू लिख दिया है, इसीलिए वो क्लिक इवेंट डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है, समझ रहे हैं आप। अगर आपको किसी एक इवेंट से दूसरे इवेंट को एग्जीक्यूट करवाना है बस, तो यहां पे आपको लिखता है जो भी इवेंट का नाम लिखना है और आगे ट्रू लिख देना है। यहां पे मुझे ये लिखना था इनेबल इक्वल टू ट्रू, दैट वॉज माई मिस्टेक, समझ में आ गई मेरी बात, अब नहीं होगा। अब मैं चलो यहां पे चला जाता हूं राजेश वाले, यहां पे मैं इसको एडिट करता हूं और यहां पे मेहसाणा की जगह मैं लिख देता हूं राजकोट, और फिर मैं यहां पे सेव पे क्लिक करता हूं, रिकॉर्ड आपका सेव हो गया। अब मैं फर्स्ट पे चला जाता हूं, अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आप देख सकते हैं राजेश राजकोट वाले हो गए, समझ में आ गई बात। एक काम रह गया डिलीट का और सर्चिंग का काम बाकी है, अगर आपने कोई रिकॉर्ड को सर्च करवाना है तो इसके लिए हम लेक्चर लेंगे, लेक्चर नंबर 3, क्योंकि आज का टाइम यहां पर ही ओवर होता है। सो आपको ये बेसिक आपका काम हो गया, यहां पे कोई रन टाइम एरर भी जनरेट नहीं हो रही है, तो आपको अच्छी तरह से ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आपको प्रैक्टिस करनी है ब्रेन, आप प्रैक्टिस करें, राइट, और असाइनमेंट का जो क्वेश्चन होगा आपका, राइट, वो दो क्वेश्चन है आपके लिए, पहले लेक्चर के लिए क्वेश्चन है एक्सप्लेन DAO विथ एग्जाम्पल, दूसरा है एक्सप्लेन रिकॉर्ड सेट विथ इट्स फंक्शन, रिकॉर्ड सेट के कुछ फंक्शंस है उसका डिस्कशन करें। तो ये दो जो क्वेश्चन है वो आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, समझ में आ गई बात, ओके। सो आपको क्या करना है, अब आपको ये दोनों लेक्चर, जो पिछला वाला लेक्चर था और ये लेक्चर, दोनों को आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है घर पे बैठे बैठे। जब आप इंप्लीमेंट करेंगे आपको बहुत सारी क्वेरी आएंगी, यस, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको देगा, जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको व्हाट्सएप पे भी कम्युनिकेशन करूंगा,
डजंट मैटर, लेकिन एनी हाउ आपको ये डेटाबेस कनेक्टिविटी को परफॉर्म करते सीख जाना है. कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके सो बस खत्म करते हैं अब, ठीक है. ओके okay.